नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी। आई रुख करते हैं खबर की ओर। पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन बहाल करने पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली में 1,00,000 बुजुर्गों की वृद्धावस्था पेंशन बहाल हो गई है। केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले 5 महीनों में इस पेंशन को बंद कर दिया था। कल तक 90,000 बुजुर्गों के खातों में पेंशन की राशि जमा हो गई थी। शेष 10,000 रुपए पेंशन आज जमा हो जाएंगी। 1,00,000 बुजुर्गों को ऐसी पेंशन मिलती है जिसमें से कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार से आता है और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार से आता है। पिछले 5 महीने से इन 1,00,000 बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी। इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि जिन पेंशनों का हिस्सा केंद्र सरकार देती है, उन पेंशनों को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने रोक रखा था। दिल्ली के बुजुर्ग बहुत परेशान थे। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं। ये ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास इस बुजुर्ग पेंशन के अलावा, इस वृद्धावस्था पेंशन के अलावा कोई भी आर्थिक साधन नहीं है। उनके पास अपनी देखरेख के लिए, उनके पास अपनी दवाइयों के लिए, उनके पास अपना घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरे पास अक्सर ये बुजुर्ग आते थे, कभी हमारे घर में आते थे, कभी मेरे ऑफिस में आते थे। ये बुजुर्ग हमारे अलग अलग विधायकों के पास जाते थे। दिल्ली के ये 1,00,000 बुजुर्ग पिछले 5 महीने से बहुत परेशान थे। इनको लग रहा था कि इनकी देखरेख करने वाला इनका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है और इसी वजह से उनकी पेंशन रुक गई है और इसी वजह से उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, उनको पेंशन दिलवाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली के इन 1,00,000 बुजुर्गों को बताना चाहती हूं कि चाहे आपका बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन जेल में होने के बावजूद भी उनको दिन रात दिल्ली के बुजुर्गों की, जिनको वो अपना माता पिता मानते हैं, उनकी चिंता रही है। पिछले कुछ महीनों में मैं जब भी उनसे मिलने गई हूं तो उन्होंने एक चीज हर बार पूछी है कि बुजुर्गों की पेंशन आई कि नहीं आई। उन्होंने हर बार चिंता जताई है कि उनके माता पिता, दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली के 1,00,000 बुजुर्ग परेशान हैं और उनकी पेंशन नहीं आ रही है। लेकिन आप बुजुर्गों के इस प्यार का, बुजुर्गों के इस आशीर्वाद का चमत्कार देखिए कि उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने जेल में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से लड़कर इन 1,00,000 बुजुर्गों की पेंशन दिलवाई है। मैं इन 1,00,000 बुजुर्गों को बधाई देना चाहती हूं कि जो पेंशन अप्रैल के महीने से रुक गई थी, वो 1,00,000 बुजुर्गों की पेंशन अब आना शुरू हो गई है। कल से हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इस पेंशन को 1,00,000 बुजुर्गों के अकाउंट में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। कल तक तकरीबन 1,00,000 में से 90,000 पेंशन्स का ट्रांसफर हो चुका है। तो आज से अगर बुजुर्ग अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे तो उनके अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट हो गया होगा। तो जो भी उनके खर्चे हैं, जो वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान थे, अब वो अपने बैंक से पैसे निकाल के वो खर्चा कर सकते हैं। जो बचे हुए 10,000 पेंशनर्स हैं, 90,000 की कल शाम तक क्रेडिट हो गई थी, जो बाकी 10,000 पेंशन्स बची हुई हैं, वो आज दिन में सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा दिल्ली के बुजुर्गों के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। खबर में बस इतना ही, बने रहें सीआईडी न्यूज के साथ।